आपकी एक बात जिससे मैं जाती तौर पे एग्री करता हूँ, शायद आपको लगता है कि लोग समझ नहीं पाए जब आपने ये कहा था कि अर्तुरुल के जो स्टार्स हैं ये उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइलेज मिल रही है, उनकी बहुत बात हो रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तानी एक्टर्स को वही रिकग्निशन मिले? अब ये मेरा पॉइंट है कि अर्तुरुल वाली बात को मेरे ख्याल में नहीं, ढाई साल हो गए बट आज भी आप शो में ये बात कर रहे हैं और अगले शो में भी ये बात, इसलिए लोग कहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ पर नहीं, अब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन शुरू में जब लोगों ने ये बात की तो उन्होंने अग्री भी नहीं किया मुझसे, अब अग्री कर रहे हैं जब दोनों मुल्क मिलके एक सीरीज बना रहे हैं, जो कि मैंने उस वक्त कहा था बनानी चाहिए, आज वो बन रही है ढाई साल बाद, तो आप अग्री भी कर रहे हैं, उस वक्त मेरी बात से कोई अग्री नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता है कि आपके केस में ये आसान भी हो गया लोगों के लिए? क्या आपको नहीं लगता कि मैं दूरंदेश हूँ? आप हैं, विजनरी, कोई शक की बात ही नहीं इसमें, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से इजी टारगेट भी बन गए? जैसे ये अर्तुरुल वाली मैंने बात की, आपकी बात समझे सुने बगैर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखिए लोगों को मैं कसूरवार ठहराता ही नहीं हूँ, हमारा लिटरेसी रेट क्या है? बहुत कम है, तो मैं क्या कहूँ लोगों को? हमारे पास कितने प्ले ग्राउंड्स हैं, हमारे पास कितने रेसिंग ट्रैक्स हैं, हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास कितने स्कूल्स हैं जहाँ वो तो आपने एक बार ये भी बात ठीक है, जब ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास तो मैं लोगों से क्यों गिला करूंगा? मेरा गिला तो अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों से है जो पढ़े लिखे भी हैं, जो समझते भी हैं, जो इस काबिल भी हैं, उसके बाद भी वो इतनी बेवकूफाना और अहमकाना बातें करते हैं, तो उस पर मुझे गुस्सा आता है। बाकी तो क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है, आप अपने तौर पे एक बात करते हैं, पीपल ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो जो एज एन आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जाती तौर पे आपकी परफॉर्मेंसेस को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा इन्जॉय करता हूँ, तो इस तरह की बात अक्सर आपकी परफॉर्मेंसेस को या आपके एक्टर आर्टिस्ट होने को ओवर शैडो नहीं कर जाती? कर जाए। वैसे यहाँ पे एक्टर को कौन सा ऑस्कर मिल रहा है? आपके एक्टर को क्या मिल रहा है? ऐसा क्या चीज़ है जिससे मैं मिस हो कर गया हूँ? और मैं एक दफ़ा शहनाज शेख साहिबा का इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने दो ही ड्रामे किए हैं, तन्हाइयाँ और आई थिंक एक और नाम मैं भूल गया उसका, अनकही, तो बहुत ही कमाल एक्ट्रेस थी, उनके बाद छोड़ दिया, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि आपने क्यों फिर और ड्रामे नहीं किए? उन्होंने कहा ऐसा कौन सा ड्रामा अभी आया जो आपको लगता है उसमें मुझे होना चाहिए था? तो होस्ट लाजवाब हो गया, कहती ऐसा क्या मैंने मिस कर दिया जो किसी और ने कर लिया? तो बात तो ठीक थी। आपकी भी वही सोच है? बिल्कुल ऐसी सोच है कि मैं ऐसा क्या मिस कर रहे हैं हम एज एन एक्टर, मैं क्या मिस कर गया हूँ ऐसा कि? बट यासिर हिस्सा तो आप बिलाकर इसी इंडस्ट्री का है। बिल्कुल। तो बड़ी डिसहार्टनिंग सी अप्रोच नहीं है? डिसहार्टनिंग सी नहीं है, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है ये। मैं चीजों को उतना सीरियसली नहीं ले रहा जितना और लोग ले रहे हो शायद, और नहीं लेना चाहिए, जिंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना लोग ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे, राइटर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे जो कि शायद आपकी बात इस वक्त सुन रहे हो, उनको मोटिवेट करने के लिए आप फिर क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट उनको मौका कहाँ मिलेगा यहाँ आने का? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कौन नहीं देगा मौका? कौन देगा? हर कोई अपनी। आप कब से काम कर रहे हैं ये? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप, मैंने भी आपकी जर्नी देखी हुई है, आपने एक्टर्स को मैनेज भी किया है, आपने और भी चीज़ें की हैं, आपने अपना पेज बनाया, आपने यूट्यूब पे फॉलोअर्स लिए, तब कहीं जाके आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जो यूथ है वो तो इंस्टेंट स्टार बनना चाहती है, वो कहाँ इतनी स्ट्रगल करती है। तो आधे लोग तो वहीं फिल्टर हो जाते हैं, जो आधे बेचारे बचते हैं और वो सारी मेहनत करते हैं, वो उनमें से आधे कुछ गलती कर देते हैं, गलत डायरेक्शन पे चले होते हैं, वो आधे फिल्टर हो जाते हैं, फिर कहीं जो बचते हैं बेचारे वो जाके जो है ना वो जान पहचान वालों के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। कहाँ मौका मिलता है इतनी आसानी से? ऐसे ही है, मौका मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर किसी को मौका मिल गया, उनको चाहिए कि उस मौके को संभाल के रखें। बिल्कुल संभाल के रखें, उससे फायदा उठाएं, जैसे कि हम सारे एक्टर्स जो इंडस्ट्री में हैं वो उठा रहे हैं फायदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इंडस्ट्री जो भी कमाया है, जो भी पाया है, इस इंडस्ट्री से मिला है हमें। मगर ये भी मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में आना बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं और लग रहा है उन्हें कि फौरन कुछ ना कुछ बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है। आपको लगता है बेहतरी आएगी? क्योंकि कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मुझे लगता है मैं और आप सेम पेज पे हैं कि कंटेंट हमारा कोई इतना जबरदस्त नहीं बन रहा, स्पेशली ड्रामे। बेहतरी पता क्या आएगी? इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपका काम अच्छा है तो आपको अच्छा काम मिलेगा इवेंचुअली।